क्रांति सूर्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वो कभी इतिहास रच नहीं सकता। जी हाँ, बिल्कुल सार्थक कहा था उन्होंने। आज ऐसा ही एक ऐतिहासिक दिवस है, जो दिवस है नामांतर शहीद दिवस या नामांतर दिवस। आप सबको पता है कि मराठवाड़ा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शिक्षा की क्रांति चलाई थी, अनेक कॉलेज और स्कूलों का उन्होंने निर्माण किया था और पूरे देश में शिक्षा की एक लहर खड़ी हुई थी, और ये जो दबा कुचला वंचित समाज है इन्हें शिक्षा मिलना प्रारंभ हुई थी, और इसी शिक्षा के बदौलत ये समाज आईएएस बना, आईआरएस बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, वकील बना, बैरिस्टर भी बना, और ये समाज जो 4000 सालों से दबा था, कुचला था, धार्मिक और सामाजिक बंधनों में ये समाज खड़ा हो गया। और इसके पीछे प्रेरणा थी बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी, और उनका शिक्षा में जो काम था इसी के लिए मराठवाड़ा विद्यापीठ जो था, जिस मराठवाड़ा में, जिस औरंगाबाद में सिद्धार्थ कॉलेज से लेकर तमाम शिक्षा की शुरुआत बाबा साहब ने की थी, तो ये मांग थी कि इतने बड़े आदमी बोधिसत्व, जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण भी किया, उनके नाम से एक विद्यापीठ जो मराठवाड़ा विद्यापीठ है, बाबा साहब का नाम मराठवाड़ा विद्यापीठ को दिया जाना चाहिए, और ये मांग उठी थी 1974 में। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नामांतर आंदोलन, यह मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नाम को बदलवाने के लिए किया गया व्यापक एवं लंबा आंदोलन था। यह महाराष्ट्र में 1976 ईस्वी में दलित आंदोलन के रूप में उभरा था। इस आंदोलन से औरंगाबाद में स्थित मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय ऐसा नामकरण हुआ। 1974 या 1976 में ये मांग जो जोर पकड़ चुकी थी, और ये मांग पूरे महाराष्ट्र में ऐसी गूंजी कि पूरे महाराष्ट्र में एक आंदोलन खड़ा हुआ। नागपुर से प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े इनके नेतृत्व में एक लॉन्ग मार्च निकाला गया, जिस लॉन्ग मार्च की ये मांग थी कि मराठवाड़ा विद्यापीठ को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका नाम दिया जाए। पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में हजारों लोगों ने इस आंदोलन के लिए अपनी आहुतियां दी, शौर्य दिखाया, और वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए इसी मांग के साथ। उनका सपना 1994 में पूरा हुआ और मराठवाड़ा विद्यापीठ का नाम बदलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ किया गया। नामांतर आंदोलन के इतिहास को 35 वर्ष हो चुके। 27 जुलाई 1978 में विधानमंडल के दोनों सभागृह में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम देने का निर्णय लिया गया। वह इसकी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार ने की। इसका महाराष्ट्र की बौद्ध, दलित तथा पुरोगामी जनता द्वारा स्वागत हुआ, किंतु अधिकांश हिंदुओं ने इसका विरोध किया और विरोध प्रदर्शन के लिए रैलियां तथा मार्च निकले। विरोध करने में मराठा जाति व शिवसेना पार्टी सबसे आगे थी। बौद्ध व दलित समाज ने भी विश्वविद्यालय को अम्बेडकर का नाम देने के लिए रैलियां निकाली। दलित पैंथर ने इसमें सक्रियता से भाग लिया था। तब महाराष्ट्र में रैलियां व प्रति रैलियों का दौर था। उस दौरान हिंदुओं द्वारा अनगिनत बौद्ध महार लोगों पर कई तरह के अत्याचार किए गए। बौद्ध पर अपमान, उन पर हमला, उनकी हत्या, महिलाओं के साथ बलात्कार, उनका सामाजिक बहिष्कार तथा उनके घर व उन्हें भी जलाया गया। यह सिलसिला 35 वर्षों तक चलता रहा। नागपुर में कई शहीद हुए, वैसे तो महाराष्ट्र में कई शहीद हुए, चाहे पोचीराम कांबड़े एक बड़ा नाम है, ऐसे ही नागपुर में कई शहीद हुए जिनके नाम नागपुर स्थित इस स्मारक पर है। आप देख पा रहे होंगे जिसमें मुस्लिम नाम भी है, अब्दुल जब्बार, शंकर शेंडे, शीला गौतम डोंगरे, ये वे लोग हैं जिन्होंने छाती पर पुलिस की गोलियां खाई इस मांग को लेकर। शब्बीर अली फैजल हुसैन, भालचंद्र बोरकर, मनोज वाघमारे, रतन मेंढे, गोमाजी कुत्तरमारे, नारायण ठाकुरदास गायकवाड़, अविनाश, अर्जुन डोंगरे, रोशन बोरकर, शरद उत्तम पाटोड़े, संभाजी सोमाजी, ध्यानेश्वर बुधाजी साखरे, प्रतिभा, हरिभाऊ ताइडे, जनार्दन, जयदेव मेवाड़े, दिलीप, सूर्यभान रामटेके, सुहासिनी पुंडलिकराव बंसोड, पोचीराम कामड़ी, ये बहुत बड़ा नाम है। हमने
आपको बताया, संभाजी काकड़े, गौतम वाघमारे, पोचीराम कांबड़े जो थे, उन्होंने जातिवादी लोगों ने उनको मार दिया और फिर आग में फेंक दिया। ये चंदर पोचीराम कांबड़े, ये भी एक बहुत बड़ा शहीदों में एक नाम है। रतन परदेशी, कैलाश बावनराव पंडित, गोविंद मुरेवार, दिवाकर थोरात, उत्तमराम बोहड़, ये तमाम नाम जो आप यहाँ देख पा रहे हैं वे वो नाम हैं जिन्होंने शहादत दी इस मांग को लेकर कि कितनी सी मांग थी, छोटी सी मांग थी कि जो विद्यापीठ है मराठवाड़ा उसे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस नाम से जाना जाए, ये नाम प्रदान किया जाए। तत्कालीन सरकार ने प्रयास किया, दबे कुचले बहुजन वंचितों के नेताओं ने प्रयास किया, महाराष्ट्र के सदन में यह मांग उठी और सदन के पटल पर यह मांग रखी गई और यह मांग पूरी भी हुई। सदन ने पारित कर दिया कि जी हां, इस विद्यापीठ को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का नाम दिया जाए। लेकिन जो एक जातीय मानसिकता हजारों सालों से हमारे देश में आ रही है कि एक दलित व्यक्ति, चाहे उसने संविधान क्यों ना लिखा हो, चाहे उसने देश में क्रांति क्यों ना लाई हो, चाहे उसने दबे कुचले वंचितों का जो बेड़िया थी गुलामी की उन्हें क्यों ना तोड़ा हो, लेकिन उसका नाम किसी यूनिवर्सिटी को या विद्यापीठ को दिया जाए, इसके विरोधक बहुत थे। एक बहुत बड़ा जलजला पूरे महाराष्ट्र में निर्माण हुआ और उस जलजले में ये जो नाम आपने यहाँ पर पढ़े, उन्होंने शहादत दी। गाँव में, शहरों में उस वक्त दंगे भड़के, क्योंकि लोगों की मांग थी कि बाबा साहब का नाम तो मिलना ही चाहिए, इसमें बुराई कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। दंगे हुए, गांव के गांव जलाए गए। नामांतर का इतिहास आप अगर पढ़ेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तो केवल इतनी मांग थी कि मराठवाड़ा विद्यापीठ को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका नाम दिया जाए, और इसी मांग के विरोध में पूरा महाराष्ट्र जल उठा और तब दलितों के, गरीबों के, वंचितों के, बहुजनों के, अल्पसंख्यकों के घरों को जलाया गया, उनकी बेइज्जती गांव-गांव में की गई, उन्हें गांव से बाहर निकाला गया। आज वो दिन और आज का ये दिन जब हम 14 जनवरी को इस स्मारक पे खड़े हैं, आज वो तमाम जो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, तमाम वो लोग जिन्होंने अपने घर खोए, जिनके घर जलाए गए, जिन्हें गाँव से बाहर भेजा गया, उनकी जीत का आज जश्न है, उनकी आहुतियों का आज दिन है, उन्हें हम नमन करते हैं। और आज 32 साल हो गए हैं पूरे इस आंदोलन को शुरू हुए हुए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम मराठवाड़ा विद्यापीठ को मिल चुका है। 1977 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटिल ने वादा किया था कि नामकरण होगा और जुलाई 1978 में महाराष्ट्र विधानमंडल ने इसे मंजूरी दे दी। विश्वविद्यालय के कार्यकारी निकाय ने विश्वविद्यालय का नाम बदलने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और निर्णयों की यह श्रृंखला दंगों का कारण भी बनी, जो 27 जुलाई 1978 को शुरू हुई और कई हफ्तों तक चली। गोविंद भाई श्राप विश्वविद्यालय का नाम बदलने के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने लोगों से अहिंसा के साथ नए नाम को स्वीकार करने का अनुरोध भी किया। साथ ही उन्होंने गैर दलितों, विशेष रूप से दुर्भावनापूर्ण लोगों के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों को वापस लेने की आवश्यकता पर जोर दिया। परभनी और अमरावती में कुछ घटनाओं की सूचना के साथ घोषणा की पूर्व संध्या पर कड़ी सुरक्षा तैनात की गई थी। पुलिस ने तुलजापुर में कर्फ्यू लगा दिया और बीड़ में पुलिस द्वारा गोली चलाने की सूचना मिली। विश्वविद्यालय का नाम बदलने के बाद कम से कम 4 दलितों को चाकू मार दिया गया था। दलित संपत्ति को आग लगा दी गई थी और परभनी और उस्मानाबाद में अंबेडकर की मूर्तियों का अपमान भी किया गया। जब ये मांग उठी कि मराठवाड़ा विद्यापीठ को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का नाम दिया जाए, तो तथाकथित कई नेताओं ने इसका विरोध भी किया, कई नेताओं ने इसका समर्थन भी किया। एक बड़े नेता जो महाराष्ट्र में थे, उन्होंने कहा था कि, उन्होंने मराठी में कहा था कि ज्यांच्या घरात नाही पीठ त्यांना पाहिजे विद्यापीठ। इनका हिंदी में अगर ट्रांसलेट किए तो यह कहना पड़ेगा कि जिनके घर में आटा नहीं है उन्हें विद्यापीठ की क्या जरूरत है, जिनके घरों में आटा भी नहीं है वो विद्यापीठ लेकर या पढ़कर क्या करेंगे, ऐसी भूमिका एक नेता की थी। और उन्होंने कहा था जिनके घर में नहीं पीठ उनको क्यों चाहिए विद्यापीठ। दंगों ने मराठवाड़ा में 1200 गांव को प्रभावित किया, 25,000 मराठी बौद्ध दलितों को प्रभावित किया और उनमें से हजारों को जंगलों में सुरक्षा के लिए घर छोड़कर जाना पड़ा। आतंकी दलित भुखमरी के बावजूद अपने गांव नहीं लौटे।
कई जगह हत्याएं और घरों और झोपड़ियों को जलाना, दलित कॉलोनियों को तोड़ना, दलितों को गांव से बाहर निकालना, पीने के पानी के कुओं को प्रदूषित करना, मवेशियों को नष्ट करना और रोजगार से इनकार करना शामिल था। यह सिलसिला 70 दिनों तक चलता रहा। अध्ययन के अनुसार दलितों पर हमले सामूहिक और पूर्व नियोजित थे। कई गांव में दलित कॉलोनियां जला दी गई थी। मराठवाड़ा क्षेत्र में जलते घरों ने 900 दलित परिवारों को प्रभावित किया था। उच्च जाति के दंगाइयों ने दलितों के पास मौजूद आवश्यक घरेलू सामान को ध्वस्त कर दिया। उच्च जाति की भीड़ ने सरकारी अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, ग्राम पंचायत कार्यालयों, राज्य परिवहन बसों, जिला परिषद संचालित स्कूल भवनों, टेलीफोन प्रणाली और सरकारी गोदाम सहित सरकारी संपत्ति पर हमला किया। 30 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। मराठवाड़ा क्षेत्र 2 वर्षों से अधिक समय से हिंसा की घेराबंदी में था। इस आंदोलन के दौरान दलितों को आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत क्षति भी पहुंची। कई प्रदर्शनकारी शारीरिक रूप से घायल हो गए और पुलिस दमन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 5 प्रदर्शनकारियों सहित 19 लोगों की मौत हो गई। आज हम देखते हैं कि पूरे भारत में ऐसे विद्यापीठ बने हैं जिनको बाबा साहब का नाम दिया गया है, चाहे नागपुर हो, चाहे मुंबई हो, चाहे साउथ के बहुत सारे स्टेट हो, चाहे कर्नाटक हो, ऐसे कई विद्यापीठ है जिनको बाबा साहब, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका नाम दिया गया है। कई बड़े इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो बाबा साहब के नाम के साथ पूरे होते हैं। कई बड़े कॉलेज है जो आज खड़े हैं, विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं और ये शिक्षा घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिन विद्यापीठों को, जिन कॉलेजेस को, जिन इंस्टीट्यूट्स को बाबा साहब का नाम दिया गया है। ये मांग तो पूरी हो गई कि मराठवाड़ा विद्यापीठ को बाबा साहब का नाम दिया जाए, लेकिन क्या ये आंदोलन यही खत्म होता है नाम के साथ? अगर हम सोचे कि नाम के साथ अगर ये आंदोलन खत्म हो जाए तो ये बिल्कुल ही हमारी सोच गलत होगी, क्योंकि आंदोलन अब भी जारी है। जैसे बाबा साहब कहते हैं कि संसद की किल्ली अपने हाथ में लेनी चाहिए, ये आंदोलन अभी बाकी है। आप मेरे पीछे ये जो स्तंभ देख रहे हैं, ये उन लोगों की याद ताजा करता है जिन्होंने इस आंदोलन में इस मांग को लेकर अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने आहुति दी समाज के लिए, अपने मांगों को लेकर। लेकिन ये संघर्ष क्या यहाँ थम जाता है? नहीं, ये संघर्ष यहाँ नहीं थमता, बल्कि यहाँ से शुरू होता है। नाम की ये लड़ाई अब हम सत्तारूढ़ होने के तरफ ले जाना चाहते हैं। मैं तमाम युवाओं से, इस समाज के लोगों से आह्वान करूंगा कि यह लड़ाई थमती नहीं, लड़ाई बाकी है शिक्षा की। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो निजी हाथों में चले गए हैं, उन इंस्टीट्यूट में एडमिशंस की लड़ाई है। आप सबको पता है कि MBBS के प्रवेश में किस तरह से OBCO को पीछे ढकेला गया है, OBCO को प्रवेश नकारा गया है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को नौकरियों में पीछे कर दिया जा रहा है, निजी हाथों में दिया जा रहा है। ये तमाम आंदोलन बाकी है, सत्ता का आंदोलन बाकी है, संविधानिक अधिकारों के आंदोलन अभी बाकी है। इन आंदोलनों के लिए, इन मांगों के लिए, इन हक और अधिकारों के लिए हमें लड़ना है। आज के दिन बस इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐतिहासिक दिवस पर। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया TV।